नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्वराज 733 FE का जो नया मॉडल अभी कंपनी ने लॉन्च किया है, जो कि पावर स्टीयरिंग के अंदर। ये ट्रैक्टर पहले सादे के अंदर आता था, मतलब कि पावर स्टीयरिंग के अंदर नहीं आता था, सीधा मतलब कि मैकेनिकल स्टीयरिंग के अंदर आता था। तो अब कंपनी ने कस्टमर के ध्यान रखते हुए तो इस ट्रैक्टर को पावर स्टीयरिंग के अंदर लॉन्च कर दिया गया। तो मुझे पहले भी, मैं हर वीडियो में बताता था कि स्वराज 733 FE ट्रैक्टर बहुत शानदार है, पर इसमें मैकेनिकल स्टीयरिंग की कंपनी प्रोवाइड करा रही है, तो पावर स्टीयरिंग तो देना ही चाहिए। पर अब स्वराज ने पावर स्टीयरिंग दे ही दिया। शानदार ट्रैक्टर है, लुकिंग में जैसे बाकी स्वराज के ट्रैक्टर दिखते हैं वैसा आपको ये ट्रैक्टर देखने को मिलेगा। बाकी का अभी तक इसमें कुछ चेंज नहीं किया, बस आपको पावर स्टीयरिंग कंपनी प्रोवाइड करा के दे रही है। शानदार आपको बोनेट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। साइड लुक भी ट्रैक्टर का काफ़ी शानदार है। ट्रैक्टर में आपको अलग से वाटर सेपरेटर मिल जाएगा। वाटर सेपरेटर का मतलब, गलती से डीजल टैंक में पानी चला जाए तो पानी अपने आप सेपरेट हो जाएगा। ट्रैक्टर में आपको ड्यूल फिल्टर मिल रहे हैं, एक प्राइमरी रह जाएगा, एक सेकेंडरी रहेगा। सीधा आपको एक्सल मिलेगा जो कि नॉन एडजस्टेबल टाइप का एक्सल रहेगा, आप अपने हिसाब से सेट नहीं कर पाएंगे। इस ट्रैक्टर के फ्रंट टायर की साइज़ की बात करें, 6/16 का इसमें आपको फ्रंट टायर का साइज़ मिलेगा, जो कि वाइट कलर के रिम के साथ आपको देखने को मिलेगा। शानदार आपको ट्रैक्टर मिल रहा है। ट्रैक्टर का वजन भी काफ़ी है, मतलब दबता नहीं है ट्रैक्टर, और छोटी मोटे काम के लिए शानदार ट्रैक्टर है। मैं स्वराज 733 FE और महिंद्रा 265 DI में आपको कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी आप देख लेना। यहाँ पे आपको ड्यूल फिल्टर, एक प्राइमरी सेकेंडरी मिल रहा है, और 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है ये। बॉसेज कंपनी का इनलाइन पंप देखने को मिलेगा ट्रैक्टर में आपको। फोर स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन पंप देखने को मिलेगा ट्रैक्टर में आपको। इस ट्रैक्टर में आपको शानदार 3 स्टेज ऑल बार टाइप का एयरकंडीशन देखने को मिलेगा। ट्रैक्टर की आपको क्यूबिक क्षमता की बात करें तो 2400 इंजन रेटेड RPM में इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलेगी, 2572 CC पावर के साथ। और आपको यहाँ पे शानदार टेल लैंप्स वगैरह मिल रहे हैं, और यहाँ पे प्लास्टिक का टूल बॉक्स आपके टोल वगैरह के रखने के लिए। ट्रैक्टर में आपको प्लेटफॉर्म की बात करें तो स्वराज का प्लेटफॉर्म आपको प्लेन तो नहीं मिल रहा, पर स्वराज ने इस तरह से अपना प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करा है कि आपको प्लेन प्लेटफॉर्म जैसी फील करवाएगा, ज़्यादा आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराएगा। एक छोटा स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग पर आपको शानदार ग्रिप मिलती है, जिसपे स्वराज का हॉर्न आपको स्टीयरिंग पर ही मिल जाएगा। और डिजिटल आपको मीटर नहीं मिल रहे, आपको जैसे पुराने वाले टाइप में आपको मिलते थे वैसे आपको मीटर मिल रहा है इसमें। ये सबसे माइनस पॉइंट लगा। ट्रैक्टर में कुछ चेंज किया तो इसके मीटर वगैरह को भी चेंज करना था। यहाँ पे आपको गियर वगैरह देखने को मिलेंगे, 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर मिलेंगे, जो आपको सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ आपको देखने को मिलेंगे। ट्रैक्टर की पावर की बात करें, 26.09 किलोवाट इसमें आपको पावर देखने मिलेगी। 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है ये, पहले आपको 33 हॉर्स पावर में देखने को मिलता था, अब कंपनी ने इसमें 2 पावर बढ़ा के 35 हॉर्स पावर आपको इसमें करने कर दिया। सिंगल क्लच आपको ट्रैक्टर रहने वाला है। ट्रैक्टर की PTO क्षमता बात करें तो 27.5 HP की PTO पावर मिलेगी। और सबसे अच्छी बात है कि आपको मोबाइल के लिए चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जो आपको साइड की तरफ मिल जाएगा, जो कि बॉक्स के अंदर दिया गया है, जिससे फ़ोन की आपकी अच्छी प्रोटेक्शन बनी रहेगी, आपको कोई डर नहीं रहेगा। 12 वोल्ट का आपको इसमें चार्जर मिलता है। और PTO HP की बात करें, 27.5 HP की इसमें PTO HP पावर मिलेगी। और ट्रैक्टर में आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो इस ट्रैक्टर में 1300 kg की लिफ्टिंग क्षमता मिलेगी, और 46 लीटर का एक बड़ा फ्यूल बैकअप देखने को मिलेगा। ट्रैक्टर की अगर मैं लुकिंग की ऊंचाई की बात करूँ तो काफ़ी शानदार इसमें आपको ऊंचाई मिल रही है। 35 HP कैटेगरी के ट्रैक्टर के हिसाब से तो काफ़ी शानदार आपको इसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई देखने को मिलेगी। और पीछे वाले टायर की बात करें तो 12/4/28 का पीछे वाला टायर का साइज मिलेगा। मैकेनिकल और पावर स्टीयरिंग का इस ट्रैक्टर में आपका ऑप्शन रहेगा। मेरे को लगता है आपको हमेशा पावर स्टीयरिंग ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको कोई थकान फील नहीं होगी। अगर आप लॉन्ग टाइम तक दिन रात खेती कर रहे हो तो कोई थकान आपको फील नहीं होने वाली। C8 का इसमें आपको टायर देखने को मिलेगा, 12/4/28 का आपको देखने को मिलेगा। ये ट्रैक्टर आपको 2000 घंटे, कंपनी 2 साल इसमें आपको वारंटी दे रही है। और पीछे की तरफ आपको एक रिफ्लेक्टर मिल रहा है, और एक एडजस्टेबल हुक जो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और जो कि कंपनी डीलर आपको प्रोवाइड ही करा के देगा, ट्रैक्टर के साथ में आएगा। और फ्रंट में एक हैवी बम्पर मिलेगा, वो भी आपको कंपनी प्रोवाइड करा के देगी। 3 सेंसेस पावर मिलेगी, आप अपने इंप्लीमेंट को जोड़ के इसके हिसाब से सेट कर पाएंगे, अपनी ज़मीन के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से इंप्लीमेंट अगर जोड़ें, डीलर आपको सब कुछ समझा देगा, बीच में कौन सी मिट्टी, अगर आपको हार्ड मिट्टी है तो आप कौन सी इंप्लीमेंट में लगाएं, सब कुछ बता देगा। पीछे रिफ्लेक्टर और इलेक्ट्रिसिटी के आपको कनेक्शन मिल रहा है। अगर आपको कहीं रात को ट्रॉली वगैरह लेके जाना है तो आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेके लाइट वगैरह लगा सकते हैं। शानदार आपको मजबूत इसमें आपको लिंकेज मिल रहे हैं। ट्रैक्टर काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है। इसकी लिफ्टिंग क्षमता की बात करें, ट्रैक्टर में आपको 1300 kg की लिफ्टिंग क्षमता आपको कंपनी प्रोवाइड करा के दे रही है। 35 HP कैटेगरी आराम से 1300 kg तो आराम से उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है उस ट्रैक्टर में। ट्रैक्टर में आपको शानदार पीछे की तरफ काफ़ी मजबूत कंपनी आपको लिंकेज प्रोवाइड करा के दे रही है। और ट्रैक्टर की लुकिंग की बात करें, लुकिंग काफ़ी शानदार है, जैसे डिसेंट टाइप की इसकी लुकिंग है। ज़्यादा कुछ क्रोम फिनिश के साथ कंपनी ने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करा गया। इस ट्रैक्टर में आपको सिंपल मिल रहा है। और कूलिंग सिस्टम की बात करें, ट्रैक्टर में वाटर कूल्ड कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। थोड़ी सी सूरज की रोशनी के कारण आपको वीडियो में थोड़ा सा क्लियर ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा, और बाकी
ट्रैक्टर में अभी तक कंपनी ने कुछ चेंज नहीं किया, बस आपको इस सेक्टर में पावर स्टीयरिंग का लॉन्च किया गया है इस सेक्टर में, और जो कि सबसे नेसेसरी था, पावर स्टीयरिंग तो ट्रैक्टर रहना ही चाहिए क्योंकि। और इस सेक्टर का मैं एक बार फिर से मिनी रिव्यू कर देता हूँ। ट्रैक्टर में आपको 35 हॉर्स पावर का इंजन देखने को मिलेगा जो पहले 33 हॉर्स पावर में आता था। साइड में आपको बैटरी मिलेगी जो बैटरी बॉक्स के साथ मिलेगी, जिससे बैटरी की अच्छी प्रोटेक्शन मिलेगी। प्लेन प्लेटफॉर्म तो है नहीं, पर प्लेन प्लेटफॉर्म जैसे आपको फील जरूर करा देगा। एक चार्जिंग पोर्ट मिलेगा जो कि बॉक्स के अंदर मिलेगा, आपकी फ़ोन की शानदार प्रोटेक्शन रहेगी। सेंटर शिफ्ट गियरबॉक्स रहेंगे, 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर के साथ। सिंगल क्लच ट्रैक्टर रहेगा। किलोवाट के हिसाब से पावर बताऊं तो इसकी 26.09 किलोवाट इसकी पावर देखने को मिलेगी। 2572 सीसी पावर और 3 सिलेंडर बोसिच कंपनी का इनलाइन पंप है, और 2400 इंजन रेटेड आरपीएम आपको देखने को मिलेगा। वाटर कूल्ड कूलिंग सिस्टम रहने वाला है। 27.5 एचपी की इसमें आपको पीटीए पावर देखने को मिलेगी। यहाँ पे अल्टरनेटर मोटर आपको मिल रही है। स्ट्रेट सीधा एक्सल जो कि आपको नॉन एडजस्टेबल टाइप का एक्सल देखने को मिलेगा। और ट्रैक्टर में आपको लिफ्टिंग क्षमता 1300 kg की आपको मिलने वाली है। फ्यूल टैंक की क्षमता 46 लीटर का आपको फ्यूल टैंक का एक बैकअप मिलने वाला है। ऑयल इमर्स ब्रेक देखने को मिलेंगे। मैकेनिकल और पावर स्टीयरिंग का दोनों का ऑप्शन लेना रहेगा, तो आप पावर स्टीयरिंग ही लेना। पावर स्टीयरिंग ही सबसे बढ़िया रहता है, लाइफ भी काफ़ी इसकी शानदार रहती है और काम करने में भी आसान बहुत रहता है। 2000 घंटे 2 साल की वारंटी मिलेगी। ड्यूल लैंप्स मिलेंगे जो कि आपको बोनेट के अंदर वाली साइड मिलेंगे। स्वराज के फ्रंट में आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और एक हैवी बम्पर आपको वेट देखने को मिलेगा। तो ट्रैक्टर काफ़ी शानदार है। 35 हॉर्स पावर की कैटेगरी में मुझे ट्रैक्टर अच्छा लगता है, ये काफ़ी पर्सनली बात करूँ तो शानदार ट्रैक्टर है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सिर्फ आपका 1 सेकंड लगेगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।